हेलो फ्रेंड्स, जीनियस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप की मदद से ज्वाइंट फोटो बनाने वाले हैं, यानी कि फैमिली फोटो कैसे बनाते हैं, ज्वाइंट फोटो कैसे बनाते हैं, वो भी पासपोर्ट साइज की। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है और जिन इमेज को आपको ज्वाइंट बनाना है उन इमेज को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। आप इमेज को सेलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल की को प्रेस करते हुए दूसरी इमेज को भी सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। मैं इस वाली इमेज को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक फ़ोटो आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर जैसे ये फ़ोटो हमने ओपन कर ली, मैम की फ़ोटो है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब इसमें क्या है, हमें इस फोटो को काटना है। तो काटने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक टूल का यूज़ करते हैं। वो क्या है, कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं और यहाँ पर एक नया पेज ले लेते हैं A4 साइज का। उसके बाद हमको क्या करना है, ओके कर देना है। अब इस पेज को हम साइड में रख लेते हैं और उसके बाद क्या करना है, इस इमेज को इसके ऊपर लेकर जाना है, इस नए पेज पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, फ़ोटो को यहाँ पर काटना है। तो बैकग्राउंड में यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको आ जाना है यहाँ पर पहले कॉर्नर लेजर टूल पर, और यहाँ पर देखिए क्लिक करके इस फोटो को क्या करता है, बड़ा करके थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको बहुत ही आज बारीकी से आपको सेलेक्ट करना है, ताकि आपके फ़ोटो जो है वो बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट हो सके और आप पीछे का बैकग्राउंड भी आप बहुत आसानी के साथ। ये बाहर बाहर का पोर्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल माइनस करके अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। अब क्या करना है, इस पूरे फोटो को यहाँ पर मूव टूल पे क्लिक करके और यहाँ पर इसको ड्रैग कर देना है। यहाँ पर देखिए फोटो हमारा आ चुका है। मैं यहाँ पर शिफ्ट और अल्ट को दबा के यहाँ से फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यही सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पॉलीगन लेजर टूल पर, और यहाँ से इस फोटो को पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको भी बहुत अच्छे से इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये जो पगड़ी लगी हुई है, इसको भी अच्छे से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी फ़ोटो आप ऐसे ही इसी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई अलग से आपको इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं। सेम टू सेम प्रोसेस होता है। फ़ोटो कोई भी हो, आप बहुत ही आसानी के साथ उस फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और साथ ही साथ जॉइंट फ़ोटो को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और ये पूरा पीछे का पोर्शन जो है पूरा सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको कंट्रोल डी करके, और यहाँ से भी क्या कर लेता हूँ इसको भी यहाँ से इसको ड्रैग करके इस वाले पोर्शन पे ले आता हूँ और इसको भी ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये याद रखे कि जो बैकग्राउंड का इमेज का जो बैकग्राउंड का कलर हो वो सेम ही होना चाहिए, ताकि जब हम फोटो को बनाएं तो वो सेम टू सेम लगे। और यहाँ पे इस फोटो को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ताकि इमेज जो है वो पूरी तरीके से एक जैसी लगे, कि छोटी बड़ी ना लगे। यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से सेलेक्ट हो चुकी है। मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर ये फोटो आ चुकी है। अब ये इमेज और ये इमेज, दोनों इमेज की लेयर्स जो है उनको आपस में जोड़ना है, तो कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करना है, तो ये दोनों लेयर आपस में जॉइंट हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे जो टूल्स दिया गया है, यहाँ पे क्रॉप टूल पे क्लिक करना है और पासपोर्ट साइज़ का यहाँ पे साइज डाल देना है। तो पहले आपको डालना है 1.5, उसके बाद डालना है 1.2, उसके बाद रेजोल्यूशन में आपका 300 आ जाएगा, और इसको ऐसे ड्रैग करके इसको खींच लेना है। यहाँ पर देखिए ऐसे हमने ड्रैग कर दिया और अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर देना है, और यहाँ पर देखिए जॉइंट फोटो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर स्टॉप पे क्लिक करके, और यहाँ से जो चारों तरफ से बॉर्डर होता है वो भी मैं लगा देता हूँ। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ, इससे कॉपी हो जाता है। कंट्रोल एन करके एक नया पेज खोल लेता हूँ। जितने हमें फ़ोटो बनाने हैं उस साइज़ को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 5x7 में हमें बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर पेज को सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब क्या करना है, या तो आप यहाँ पर मूव टूल पे क्लिक करके यहाँ से आप डायरेक्ट इसको ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी करेंगे तब भी आपका जो पेज के अंदर फोटो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर फोटो हमारा जो है वो पूरी तरीके से आ चुका है। मैं इसको आराम से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अल्ट और शिफ्ट के द्वारा इसको एक और कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये तीन कॉपी हमारी पूरी तरीके से बन चुकी हैं। इसको मैं ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जो भी आपको खिसकाना हो अपने हिसाब से आप ऐसे ही बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जितनी भी फ़ोटो आपको बनानी है वो आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी।
मैं यहाँ पे इसको बैक कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको बैक कर देता हूँ। अब ये हमारी जो है पुरानी फोटो है, जो मैंने अभी बनाया हुआ है, ये हमारा नया फोटो है। यहाँ पर देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारी फोटो पुरानी फोटो है, और ये हमारी, ये भी पुरानी फोटो, और ये जो मैंने बनाया हुआ है ये हमारी नई फोटो है। यहाँ पर देखिए आप बहुत ही आसानी के साथ कोई भी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आसानी से जॉइंट फोटो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ कमेंट भी करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।